आने वाले ट्रैवलिंग, वेडिंग और क्रिकेट सीजन के लिए वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स के लिए कैनन का नया EOS R6 Mark II एक अफोर्डेबल मिड रेंज कैमरा एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कैनन R6 Mark II की फील्ड परफॉर्मेंस, इसकी वीडियोस और इसकी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑटो फोकस सिस्टम के बारे में। कैनन ने इस कैमरे में इस बार अपना न्यूली डेवलप्ड FSI सेंसर को इंडक्ट किया है। तो थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ ना जाते हुए आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, FSI सेंसर लो लाइट कंडीशंस में 40% तक एक्स्ट्रा लाइट एब्जॉर्ब करता है और अगर आप ISO लेवल को बढ़ाते हैं तो आपको यह 24% तक अच्छी और क्लीन फोटो प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए सारा गेम क्लीन फोटोज और एक्स्ट्रा लाइट का ही है। बात करते हैं अब इसके रोलिंग शटर इम्प्रूवमेंट्स के बारे में। अगर R6 को R6 Mark II से कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक शटर में आप हाई स्पीड 40 फ्रेम पर सेकंड की फोटो शूट करते हुए फास्ट मूविंग सब्जेक्ट में आपको कोई भी बेंडिंग्स या मोशन आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट्स पिक्चर में देखने को नहीं मिलेगा, यानी अब आप रेडी हैं इलेक्ट्रॉनिक शटर के भविष्य के लिए। और आपकी शटर काउंट और कैमरे की जो वेयर टेयर समस्या होती थी वो समस्या अब काफी हद तक कम हो चुकी है। R6 Mark II में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडक्ट किया गया है, यानी अब यह कैमरा आपकी सिर्फ एक कमांड पर अपने सुपर कंप्यूटर को एक्टिवेट करके ह्यूमन, एनिमल, व्हीकल और डीप लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं को हाई ब्राइट जोन या अपोजिट लाइट की सिचुएशंस में भी अपने सब्जेक्ट को बखूबी ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। यानी अब नंबर ऑफ बर्स्ट पिक्चर्स में शार्प इमेजेस की क्वांटिटी पहले से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। कैमरे का व्यू फाइंडर पिक्सल्स पहले के ही जैसा है, पर आप इसमें एक कमांड के थ्रू एक्टिवेट करके EVF को ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के जैसा सेट कर सकते हैं। जो लोग ऑप्टिकल व्यू फाइंडर प्रेफर करते हैं उन्हें यह कैमरा अपने EVF में बिना एक्सपोजर बदले या बिना कलर्स छेड़े आप अपनी आंखों से देख रहे OVF जैसा सेम लाइट और कलर्स आपको यह R6 प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इस बार इसमें ऑन ऑफ स्विच को शिफ्ट करके राइट साइड में लगाया गया है, जो थंब की तरफ अब आप आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। शटर की लाइफ को 4 लाख तक बढ़ाया गया है दोस्तों, जो नाइकॉन या अन्य कैमरे के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर नंबर्स हैं। 5-स्टॉप का बेहतरीन इन बॉडी एक्सेस इमेज स्टेबिलाईजेशन सिस्टम देखने को मिलेगा, जो आपको लो लाइट शटर स्पीड पर भी शार्प रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इकोनॉमी कैमरा होने के कारण यह ड्यूल SD और UHS-II कार्ड्स को ही सपोर्ट करेगा। इसमें CF Express कार्ड्स के लिए कोई भी स्लॉट नहीं दिया गया है। दोस्तों इस कैमरे का सबसे बेहतरीन फीचर जो किसी ने आपको नहीं बताया वह मैं आपको बता रहा हूँ, EOS R6 Mark II अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक शटर पर भी फर्स्ट कर्टेन शटर को यूज करते हुए 1/250th ऑफ सेकंड की स्पीड से फोटो क्लिक करने में सक्षम है। यानी अब आप बिना मैकेनिकल शटर को यूज किए साइलेंटली इलेक्ट्रॉनिक शटर पर भी फ्लैश का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। एक ड्रॉबैक जो मुझे देखने को मिला है इस कैमरे में वो ये है कि इसका माइक्रो HDMI पोर्ट, जिसे कई बार 6K ओवर सैंपल वीडियोस बफर या ट्रांसफर करने की स्थिति में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी जो फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स कैनन लवर्स हैं उनके लिए कैमरा एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है आने वाले कई साल तक के लिए। दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे छोटे से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फ्यूचर में इस चैनल से होने वाली इनकम से जो लोग सर्दी से बेघर हैं या भूखे सड़कों पर रहते हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़रूरतमंदों को भला हो सके तो अपना साथ और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।